बिहार के बेगूसराय में कार्तिक पूर्णिमा पर्व के दौरान बड़ा हादसा हो गया। शनिवार की सुबह स्नान पूजा कर लौट रहे लोगों में भगदड़ मचने से 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में बुजुर्ग महिलाएं हैं। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। बता दें कि सिमरिया में अर्धकुंभ चल रहा है। शनिवार की सुबह से ही बेगूसराय के सिमरिया घाट पर स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए थे, लेकिन इसी दौरान भगदड़ मचने से 3 लोगों की मौत हो गई। कई लोग इस घटना में घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की संख्या 10 बताई जा रही है। गौरतलब है कि हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही कार्तिक पूर्णिमा काफी महत्व है। शास्त्रों में इस दिन गंगा स्नान का काफी महत्व बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर बिहार में गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए इकट्ठा होते हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।